विश्व प्रसिद्ध ताड़ोपा अंधारी टाइगर रिजर्व ने वन्यजीव संरक्षण, टिकाऊ पर्यटन और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अवधारणा के रूप में 1 से 3 मार्च 2024 तक 3 दिवसीय ताड़ोपा महोत्सव का आयोजन किया है। यह भव्य उत्सव चंद्रपुर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 200 से अधिक निवास स्थान है और इसे बाघों की भूमि के रूप में जाना जाता है। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने किया। इस मौके पर जब रवीना टंडन ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन आगे भी होना चाहिए। चंद्रपुर में ताड़ोपा जैसा अभयारण्य पूरी दुनिया में मशहूर है। आज उद्घाटन कार्यक्रम में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की प्रतियोगियों ने भी हिस्सा लिया था। इनके माध्यम से हमारे देश का स्वास्थ्य एवं ताड़ोपा लोकप्रिय होगा। इससे दुनिया को यह संदेश जाएगा कि महाराष्ट्र अपनी वन संपदा के लिए कितना जागरूक है। मैडम, क्या कहना चाहेगी ताड़ोपा महोत्सव के बारे में आप? मैं सोचती हूँ ये बहुत बहुत नेसेसरी है हमको ऐसे उत्सव एक आयोजन करना, क्योंकि एक तो पूरे विश्व में ये फैलनी चाहिए बात कि किस तरीके का काम महाराष्ट्र हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आगे चल रहे हैं। इसके जरिए एक जागरूकता फैलेगी, एक अवेयरनेस होगी, जो बहुत ज़रूरी है ये मैसेज आगे देना। आज आपने देखा हमारे साथ सारे मिस वर्ल्ड के कंटेस्टेंट्स भी थे, वो अपने देशों में लेके जाएंगे ये हमारा संदेश कि कितना इंपॉर्टेंट हमारा वाइल्ड लाइफ, हमारी एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति, हमारे प्राणी, हमारे पशु पक्षी सब है, जो पेड़ पौधे भी है वो भी कितने इंपॉर्टेंट है हमारे आगे वाली आने पीढ़ियों के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।